चेक बाउंस मामले में फंसे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ पहले ही इंदौर की जिला न्यायालय में एक चेक अनादरण का प्रकरण विचाराधीन है और अब एक अन्य चेक अनादरण के मामले में कोर्ट ने पटवा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर पक्षपेक्ष किया गया है कि हरीश ट्रेडर्स से पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने वर्ष 2015 में 10 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका मार्च 2017 तक ब्याज भी अदा किया गया, लेकिन उसके बाद ना तो ब्याज दिया गया और ना ही मूल लौटाया गया। बाद में पैसा मांगने पर 1 जनवरी 2018 का चेक याचिकाकर्ता को सौंपा गया, जो बैंक में लगाए जाने पर बाउंस हो गया। 2 वर्षों के अंतराल में हुए लेन देन और अन्य जरूरी साक्ष्यों को बतौर सबूत जिला कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश MP नामदेव की कोर्ट ने धारा 138 के तहत चेक अनादरण का प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। 2015 में सुरेंद्र कुमार जी पटवा द्वारा HUF मतलब संयुक्त परिवार जो HUF है था, उस नाते हरीश ट्रेडर्स से 10 लाख रुपए उधारी में लिए हैं। उधारी में उन्होंने बाकायदा खाते में पैसा ट्रांसफर करवाया है, दलाल के माध्यम से हमारे पक्षकार से कांटेक्ट किया, हमारे पक्षकार द्वारा ब्याज पे उनको रुपया दिया गया और उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है। और उसके बाद उन्होंने मार्च 2017 तक नियमित रूप से किराया भी दिया और उसके बाद से उन्होंने मूल रुपया और किराया देना दोनों बंद कर दिया, जिस पर हमारे पक्षकार द्वारा जो हरीश ट्रेडर्स है उनने उनसे मांगनी करी तो उन्होंने न तो ब्याज दिया और न मूल रकम अदा की। फिर जब हमारे पक्षकार द्वारा मांग करी गई तो उन्होंने अपना चेक, अपने खुद का हस्ताक्षरित चेक 1/1/2018 का दिया, जो हमारे पक्षकार ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया, जहां 19 जनवरी को वो चेक प्रस्तुत करने पे 23 जनवरी को वो डिसऑनर हो गया, उसमें पर्याप्त रुपए नहीं थे इनसफिशिएंट फंड के साथ में। फिर मैंने मेरे द्वारा एक नोटिस दिया गया कि 15 दिन में अगर ये उन्होंने पैसा देना है तो दे दें। उनके मंत्रालय में भी और उनके जो निवास हैं वहाँ पर भी मैंने सूचना पत्र दिए उनको, लेकिन उसके बाद भी समय अवधि में ना तो उन्होंने कोई जवाब दिया ना कोई रुपये दिए, जिस पर से आज मैंने एक कंप्लेंट फाइल की 138 के तहत जिला न्यायालय इंदौर में, जो दर्ज हो चुकी है और दर्ज होने के बाद में उनको 7 मई के लिए नोटिस जारी हो गए हैं, समन्स जारी, उस रोज उनका अपना उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है और 7 मई तारीख लगी हुई है। हालांकि कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को अपना पक्ष रखने के लिए 7 मई तक का समय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।